नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। क्या चल रहा है सीरियल परिणीति की कहानी में, शादी स्पेशल ट्विस्ट, चलिए अब उस पर ब्रेक लग रहा है। फैंस को मिल रही है एक नई सी ट्विस्ट इस भरी स्टोरी, क्योंकि फाइनली रुक गई है नीति और संजू की शादी। अब अगले मुहूर्त तक करना होगा नीति को इंतजार संजू से शादी का। हो गया है पार्वती का मकसद पूरा, नीति का सपना उसकी शादी रोकने का। अब आगे की कहानी में क्या दिखाया जाएगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। और अगर आप सब हमारे चैनल टेलीपीप्स पर नए हैं तो जरूर से उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरियल परिणीति की कहानी में क्या होने वाला है। तो सीरियल परिणीति की कहानी में आप लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जब आग में फंसा संजू, जिसे पार्वती अपनी जान पर खेलकर बचाएगी, तो यहाँ पर पार्वती सवाल करेगी कि उन्होंने क्यों नीति के साथ मिलकर अपनी पत्नी परी की जान ली, क्या उसका कोई वजह है और क्यों वो दिखावा करते हैं कि वो परी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात सुनकर संजू को जोरदार झटका लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि उस इन सब में जो परी की मौत का राज है, रहस्य है, वो नीति से शुरू है और नीति पर ही खत्म है, जिसके बाद हमारा संजू बौखला जाता है। कहीं ना कहीं पार्वती का मकसद है कि संजू के दिलो दिमाग में नीति के खिलाफ शक पैदा करना, और उसने कर दिया है, जिसमें अंबिका ने भी उसका बराबर साथ दिया है। ऐसे में अब संजू गुस्से में आ गया है और अब परी की मौत को मौत के रहस्य को सुलझाना चाहता है, सच तक पहुंचना चाहता है। और इस बार संजू आया है, गुस्से में आया है, हाथ में बंदूक लिए आया है और भरी सभा में उसने नीति के ऊपर बंदूक तान दी है और पूछा है उससे बहुत ही कड़े सवाल कि कहाँ है परी और तुमने परी को क्यों जान से मारा। आज तो तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुमने मेरी परी की जान क्यों ली है। ऐसे में अब पता चलेगा कि नीति किस तरह से संजू के सामने अपने आप को बचाएगी, या फिर यहाँ पर सच कबूल करने के बाद वो अब एक नई कहानी लिखेगी। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं सीरियल में आने वाले इस ट्विस्ट को देखने के लिए, कमेंट कर जरूर कीजिएगा।